हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं आप सबका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ रूप मंत्रा के चारकोल फेसियल किट का। सो फ्रेंड्स, ये रूप मंत्रा का चारकोल फेसियल किट है और ये इसकी पैकेजिंग है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर ये आपको मिल जाता है। और अगर आप घर पर फेसियल करना नहीं जानते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप किसी भी फेसियल किट को, जिसे भी आप पसंद करते हैं या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं घर पे। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं तरीका बताऊंगी कि आपको मैक्सिमम किस तरह से पार्लर वाला जो बेनिफिट है वो घर पे ही मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो फेसियल घर पे तो कर लेते हैं किसी भी किट को मंगाकर, बट जो पार्लर वाला आप कह सकते हैं कि इफेक्ट है, वो नहीं मिल पाता। तो आज मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से अगर आप घर पे फेसियल करते हैं, किस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको जो आप कह सकते हैं फ़ायदा है, वो बिल्कुल रिजल्ट जो है वो पार्लर वाला मिलेगा। तो आज मैं रिव्यू करूँगी इस वाले प्रोडक्ट का, क्योंकि ये है रूप मंत्रा का फेसियल किट, चारकोल फेसियल किट है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। और मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करती रहती हूँ। और मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ज़रूर से चेक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारा फेशियल स्टार्ट करते हैं। और साथ में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि जो बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो किस तरह के हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह का डब्बा आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया पैकेजिंग आती है। स्टेप बाई स्टेप हम फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स जो हैं वो पैकेजिंग पे यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्टेप वन, क्लींजिंग मिल्क। सो इस तरह का इसका डब्बा आता है। सो क्लींजिंग मिल्क पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इस तरह की इसकी आप देख सकते हैं कलर और टेक्सचर वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ। सो क्लींजिंग मिल्क पहला स्टेप होता है फ्रेंड्स। क्लींजिंग मिल्क जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें इमली, फ्रूट, हल्दी, नीम, ये सब कुछ इसमें दिया गया है, जो कि रिमूव करता है स्किन की इम्प्योरिटीज़ को, प्रोवाइड करता है क्लीन स्किन, क्लियर बनाता है और साथ में आप कह सकते हैं कि मॉइस्चराइज भी करता है आपके फेस को, ताकि आप अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाएं। तो जो भी क्लींजिंग मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी फेसियल आप करते हैं उसमें आपको क्लींजिंग मिल्क ज़रूर मिलता है। सो इस तरह से आपको क्लींजिंग मिल्क यूज़ करना है। हाथ में आप थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं, मैंने लिया है थोड़ा सा, और फिर इसे आप एक वेट टॉवल के साथ या किसी भी कपड़े से पोंछ सकते हैं। बार बार तो फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से आप उसे पोंछ सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं या फिर आप कह सकते हैं कि गंदगी आपके फेस पे, वो पहले निकल जाएगी, जिससे कि आप अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाएं। ये सब कुछ सो अच्छे से आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। काजल वगैरह जो भी मैंने अप्लाई किया हुआ था उसे मैंने रिमूव कर लिया है। अब है नेक्स्ट स्टेप, वो है स्क्रब। सो पहले मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है और इस तरह के ये जो पॉट आपको मिल रहे हैं, छोटे छोटे डब्बे, इसमें आपको 15 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाती है। तो रूप मंत्रा का जो चारकोल स्क्रब है वो है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ अखरोट, फ्रूट ब्रैक, इमली फ्रूट, हल्दी, नीम। सो अखरोट है इसमें, इमली फ्रूट है और हल्दी, नीम, ये सब कुछ आपको मिल जाते हैं। एक्सप्लोरेट करते हैं आपकी स्किन को, आप कह सकते हैं कि रिमूव करते हैं डेड स्किन सेल्स, ब्लैक हेड्स हो गए, या फिर आपकी स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं उसे भी थोड़ा कम करते हैं, ओल्ड स्किन को हटाते हैं, डेड स्किन सेल्स को, इसलिए जो भी दाग वगैरह हैं वो निकल जाते हैं और आपकी जो स्किन है उसको आप कह सकते हैं स्किन की जो सरफेस है उसे फ्रेश और क्लीन बनाते हैं। सो आप डेफिनेटली इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह से फिर वेट टॉवल के साथ आराम से अच्छे से स्क्रब करने के बाद आपको 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करना है। हल्के हाथों से रगड़िएगा बिल्कुल भी मत, वरना रैसेस हो सकते हैं, और फिर आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में आपको हमेशा अप्लाई करना होता है। और नेक्स्ट है रूप मंत्रा चारकोल मसाज जेल। सो इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो रूप मंत्रा चारकोल मसाज जेल हेल्प इन रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन एंड इम्प्रूव स्किन कॉम्प्लेक्शन विथ वंडरफुल स्किन केयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मजिस्टा, इमली, हल्दी एंड नीम। सो आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये इम्प्रूव करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और जो भी आप कह सकते हैं पिगमेंटेशन वगैरह आपके स्किन पे है उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो ये मसाज जेल है, आपको 5 से 10 मिनट तक जेंटली अपने फेस पे इसे मसाज करते जाना है सर्कुलर मोशन में, और फिर आप पानी से वॉश कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप वेट टॉवल से भी रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये मसाज जेल है, आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा। इस तरह से अगर आप स्टेप बाई स्टेप फेसियल करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल पार्लर जैसा आएगा और आपको अगले 1 से 2 दिन तक सोप या फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। इस तरह से आप अच्छे से मसाज करिए, जिस तरह से मैं स्टेप्स कर रही हूँ,
अगर आप इस तरह से करते हैं, आईज के भी साइड साइड में कॉर्नर में अच्छे से मसाज करते हैं, तो आपका जो स्किन है वो काफ़ी अच्छे से जग जाएगा, आप कह सकते हैं वेक हो जाएगा, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ेगा। सो इस तरह से अच्छे से मैंने जैसा कि बताया, आप 5 से 10 मिनट आराम से इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करिए अपनी पूरी स्किन को, फिर आप किसी भी वेट कॉटन पैड से या फिर किसी भी तरह से इसे वाइप से निकाल सकते हैं। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से मसाज किया है। सो रूपमंजा चारकोल फेसियल स्किन क्लींज स्किन डीपली, एक्सफोलिएट्स डेड स्किन सेल्स, रिमूव डस्ट डर्ट एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द स्किन सर्फेस विथ पावरफुल एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। सो ये रिमूव करता है जो कुछ भी आप एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, रिमूव करता है डस्ट को, डर्ट को, पॉल्यूशन के जो भी आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज आपकी स्किन पे दिख रहे हैं उसे। उसके बाद आप इस तरह से रिमूव कर लीजिए किसी भी कपड़े से, मैंने यहाँ वेट टॉयल से रिमूव कर लिया है। नेक्स्ट जो स्टेप आपको फॉलो करनी है वो है रूपमंजा चारकोल पैक। सो विद द गुडनेस ऑफ इमली फ्रूट एक्सट्रैक्ट, हल्दी, नीम, रूपमंजा चारकोल फेस पैक अनक्लोज द पोर्स। सो पोर्स को ये ओपन करता है। सो ये जो पैक है ये काफ़ी अच्छा है, ये 4th स्टेप है, तो इसे भी आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का है, मैं इसे ब्रश से कर रही हूँ, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो अपने हाथों से भी कर सकते हैं। पोर्स को ओपन करता है, क्लीन करता है जो भी पॉल्यूशन वगैरह आपकी स्किन पे, पॉल्यूशन के जो भी आप कह सकते हैं दिखते हैं जो भी प्रभाव, उसे डस्ट निकालता है, डर्ट निकालता है, लीव स्किन ग्लोइंग हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड। आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। ये 4th स्टेप है। सो आपको एक थिक लेयर आप कह सकते हैं रूपमंजा चारकोल फेस पैक का अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है। मैं यहाँ नेक पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पे है तो थोड़ा सा मिस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रही, बट आप नेक पे ज़रूर अप्लाई करिएगा। और आई एरिया और माउथ का जो आसपास का एरिया है उसे आपको अवॉइड करना है। लीव इट ऑन फेस 15 to 20 मिनट्स। सो 15 से 20 मिनट तक आपको इसे अप्लाई करने के बाद छोड़ना है। सो क्योंकि विंटर सीजन है तो ये काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है, सो आप आराम से 15 मिनट में या 12-13 मिनट में ही इसे छोड़ सकते हैं। मैं इसे ड्राई करूँगी और देख सकते हैं आप ये सूख गया है, 12 मिनट में ही ये ड्राई हो गया था। तो अब मैंने इसे वॉश कर लिया है और अब मैं अपनी स्किन को अच्छे से सुखा लूँगी। और इसके बाद जो लास्ट 5th स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। अभी से ही आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं फेयर लग रही है, गंदगी वगैरह काफ़ी कम लग रही है, मार्क्स वगैरह कम लग रहे हैं और काफ़ी ग्लो कर रही है मेरी स्किन और मॉइस्चराइज भी लग रही है। सो 5th स्टेप जो है वो है रूपमंजा चारकोल नरिशिंग क्रीम। सो ये बहुत ही अच्छी नरिशिंग क्रीम है। सो इसे हम इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। रूपमंजा चारकोल नरिशिंग क्रीम इज़ कम्प्लीट नेचुरल केयर फॉर डल, ड्राई एंड लाइफलेस स्किन। सो अगर आपकी स्किन डल हो गई है, ड्राई हो गई है, लाइफलेस हो गई है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, नरिशमेंट देता है आपकी स्किन को, और आप कह सकते हैं कि डीपली कंडीस करता है आपकी स्किन को, मेक स्किन सरफेस सॉफ्ट, स्मूथ एंड सफल। सो आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और सफल भी बनाता है। सो इसे यूज़ करने के लिए आपको आप कह सकते हैं कि ले लेना है अमाउंट जितना भी आप चाहते हैं अपने फेस पे और अपने हथेलियों में, आई मीन, और फिर फेस और नेक पे आप आराम से मसाज कर सकते हैं 10 से 15 मिनट तक। और आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे कितना अच्छा रिजल्ट आया है, मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। सो अब हम थोड़ा पैकेजिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह की पैकेजिंग आती है रूपमंजा चारकोल फेसियल किट, कंप्लीट स्किन केयर विथ एक्टिवेटेड चारकोल, क्लिनजिंग मिल्क स्क्रब, जेल पैक क्रीम, ये 5 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और बैग की अगर बात करें तो बैग में आपको सब कुछ मेंशन किया गया है, किस तरह से आपको यूज़ करना है, क्या क्या इससे फ़ायदे होते हैं, ये सब कुछ, तो आप आराम से पढ़ के इसे यूज़ कर सकते हैं। और बेनिफिट्स इसकी बात करूँ तो रिमूव करता है पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स एंड स्किन इम्प्योरिटीज़ को, और भी बहुत सारे फायदे हैं, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। प्राइस जो है वो 398 रुपीज और 2 साल की आपको सेल्फ लाइफ भी मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से मैंने फेसियल किट को यूज़ किया और मेरी स्किन पे कितना अच्छा इफेक्ट आया है। तो अगर आप भी इस फेसियल को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इसे ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेशन है, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसका प्राइस भी कम है, तो आप मंथ में 2 से 3 बार इसे यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट पार्लर वाला पा सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सारे स्टेप्स भी शेयर किए हैं। या फिर अगर आप दूसरा कोई फेसियल किट चाहते हैं ट्राई करना तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। जो भी आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं उसे फॉलो जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।